Welcome back to my channel. This is a brand new video from Fiji and day 2. और ये जो water है बहुत clear है, crystal clear water. और पीछे मैंने आपको जो wharf दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, देखती हूँ अगर मेरे पीछे आ सकता है तो. वो पीछे जो wharf है वहाँ से fishes underwater आप clearly उनको देख सकते हो. बहुत ही सुंदर सुंदर fishes हैं. और अब हम लोगों ने फाइनली कार रेंट कर ली है और हमें जो कार मिली है वो है होंडा सिविक में जाना, होंडा सिविक जो कि पड़ी है हमें 50 फिजियन डॉलर्स, जिसका मतलब हुआ रफली 30 डॉलर्स का एक फिजियन डॉलर, तो 30 रुपीस का, सॉरी 1500 रुपए के आसपास. तो 1500 रुपए दिन की हमें पड़ी है ये कार, इंश्योरेंस एंड सब कुछ इंक्लूड करके, तो जो कि बहुत ही अच्छी डील है मैं बोलूँगी. और मैं अब आपको बताती हूँ ये हमने कैसे डील क्रैक करी और क्या सब कुछ था, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन बुक कराएंगे तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, इतने प्राइस में नहीं मिलेगी. हमने भी देखा था ऑनलाइन प्राइस जो कि पर डे था 90 डॉलर के आसपास, 92 स्मॉल कार हैचबैक, ओके हैचबैक 90 डॉलर्स का था, 110 और वो विदाउट इंश्योरेंस, ओके. तो हमारे साथ हुआ ये कि हम मॉर्निंग हैरी गए थे मॉर्निंग क्लीपर, तो उनकी ओनर के साथ बात हुई जो हमारे आइलैंड की ओनर है. तो ऐसे बात करते करते उनके साथ उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना है, तो हम लोग ऐसे डिस्कस करने लगे. तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप लोग कैश में पे कर दोगे और बार्गेन करोगे तो आपको मिल जाएगी अच्छी कार. फिर उन्होंने अपना ही रेफरेंस हमें दे दिया था बाद. डेनराव पोर्ट फिजी टाउन के बहुत ही पास है. मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि मैं अपना स्टे डेनराव में ही बुक करूं, और ये जगह बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत सुंदर लगी और टूरिस्ट फ्रेंडली है. सारे रिसॉर्ट्स एक साथ इसी जगह पर हैं और बार कैफेज ये सब कुछ है यहाँ पर. फिर हमने यहाँ से अपने कल्चर एंड आइलैंड टूर की टिकट्स बुक की. वैसे तो वो टिकट्स 9000 रुपीज़ पर पर्सन की होती हैं, बट हमें एक अच्छी डील में 6000 रुपीज़ में ही मिल गई. मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑनलाइन टिकट्स बुक कराने से पहले आप एक बार डनराव आकर यहाँ के पॉपअप स्टोर्स भी चेकआउट कर लें, और हमारी आगे आने वाली वीडियो में आप एक्सपीरियंस करेंगे एक ट्रूली ऑथेंटिक फिजियन कल्चर एंड आइलैंड टूर. टूर बुक कराने के बाद हमारी नज़र इंडिगो रेस्टोरेंट पे पड़ी, जिसे हमारे फ्रेंड्स ने क्रैब के लिए रिकमेंड किया था. तो लगे हाथों हमने भी अपनी लाइफ का फर्स्ट क्रैब ट्राई कर लिया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो वहाँ के फ्रेंडली स्टाफ ने हमारी बहुत मदद करी. वैसे तो रेस्टोरेंट नॉर्मली प्राइस था, बट क्रैब की वजह से ये लंच हमें पड़ा 4000 इंडियन रुपीज़ का. जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये क्रैब बहुत ही बड़ा था और दो लोगों के लिए सफिशिएंट भी, जिसे हमें खाने में पूरा एक घंटा लगा. वैसे तो आप फिजी में कहीं भी खाना खाएं आप इंडिया को मिस नहीं करेंगे, और वेज नॉन वेज सभी ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं. और अगर आप डनराव की तरफ आएंगे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इंडिगो रेस्टोरों में क्रैब ट्राई करना, और अगर आप सी फूड लवर हैं तो ये तो मस्ट ट्राई है.
तो फिर अभी हम लोग लंच के बाद मरीन वॉक पे निकल चुके हैं और यहाँ पर छोटे छोटे से पॉपअप स्टोर बने हुए हैं और आप अपनी कोई भी एक्टिविटी बुक कराने से पहले इनके साथ चेकआउट कर सकते हैं और जहाँ भी आपको अच्छा डील मिले आप वो बुक कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ ये छोटे छोटे पॉपअप स्टोर, ये कुछ इस तरह से हैं। और मैं आपको डेनराउ आना बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये जगह बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए बनी है। वैसे एक्चुअली फिजी एक रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर आप आराम से अपना पूरा दिन चिल कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है जब भी आप अपनी मील इन्जॉय करते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं डेनराउ से और हम लोग जा रहे हैं यहाँ के नेशनल पार्क और वहाँ पे है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मैंने बहुत लोगों की इंस्टाग्राम पिक्चर पे देखा है, तो इसलिए मेरा भी जाने का मन है कि मैं भी वहाँ जाके अपने इंस्टाग्राम पिक्चर क्लिक कराऊँ हैरी से। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी रास्ते में देती हूँ। अभी हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं तो मुझे लगा कि कार रोककर यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है और इसी व्यू की वजह से हमारी ये राइड बहुत ही अच्छी हो गई है। और ये जो माउंटेन से ऐसे बादल निकल रहे हैं ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टीम निकल रही है और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैमरा टर्न करके और इसके बाद हम लोग मिलते हैं वाटरफॉल पर सीधा डायरेक्ट। के बाद हम अपना रास्ता भटक गए और मुझे लोकल्स के घर जाकर हेल्प लेनी पड़ी। हैरी तो मुझे एक्चुअली मना ही कर रहे थे बट मुझे लगा नहीं मुझे जाना चाहिए और एक्चुअली पूछ के तो आना चाहिए ना, नहीं तो हम रोड पर कब तक ट्रैवल करते रहेंगे। आपने देखा ना कितने फ्रेंडली लोग थे वो, जो बाहर एक भैया भी आए थे, आई थिंक वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, वो भी अप्रोचेबल थे और जो अंदर से आंटी निकल के आई थी उन्होंने कितने अच्छे से हम लोगों से बात करी। बुला, हाउ डू यू गो टू द पार्क वाटरफॉल फ्रॉम हियर? फिर और लोकल्स की हेल्प, बट ये हेल्प आगे चलकर एक एक्सपीरियंस बन गई। That's good. हंसते जाओ हाँ। मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये बोल रहे थे आहिस्ते जाओ। देखा आपने, तो यहाँ पर हिंदी स्कूल्स में भी सिखाई जाती है, फिजियन लोगों को भी हिंदी आती है। चलो फिर मुझे अब आज तुम्हारा दिन कैसा था स्कूल में कुछ बताओ अपने बारे में, यहाँ के बारे में। आज हम लोग सीखो हिंदी, इंग्लिश और बेसिक साइंस। बेसिक साइंस सीखा आज, बट मोस्टली हम लोग सीखो हिंदी। बच्चों का घर रास्ते में ही था तो हमने उनको लिफ्ट दे दी। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं ना, अगर नहीं तो आज तो हम नहीं जा पाते अगर बच्चे नहीं मिलते हमें। I'm good, how are you? हम लोगों को वाटरफॉल देखना है। वाटरफॉल देखना है, हम 5 बजे बंद कर देते हैं।
जब तक हम पहुंचे शाम के 4:30 बज चुके थे और क्लोजिंग टाइम 5 बजे का होता है, तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई। पर मैं आपको बता देती हूँ टिकट प्राइजेस। स्लीपिंग जाइंट 50 फीजियन डॉलर और जिप लाइनिंग अलग से 50 फीजियन डॉलर, तो दोनों के साथ आपको पड़ेगा ये एक्सपीरियंस 3,000 रुपये का। हाँ बयान, मुझे नहीं पता हिंदी वर्ड है नहीं, पर बयान का मतलब ये पता है कल। टुमारो, यस। तुम लोग बताओ कल। हाँ हम लोग कल बोलते हैं। हम लोग हिंदी लैंग्वेज हम लोग बताओ कल, यस्टरडे। बयान टुमारो। अभी भी आई एम नॉट श्योर कि बयान का मतलब आने वाला कल होता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। यार ये बच्चे इतने प्यारे हैं ना, इन्होंने बोला कि हमारे घर चलो और हमारा घर देखो, हमारी मम्मी से मिलके जाओ, और हमारी मम्मी बहुत अच्छी है तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी, उनसे मिलो। और ये लोग हिंदी जानते हैं, शायद इनके घर वाले भी जानते होंगे, तो मुझे भी लगा कि चलो चलते हैं और अंदर घर देखते हैं। मैं पहले पूछती हूँ अगर रिकॉर्डिंग ओके है, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। ठीक है, बुला। Your daughters are so good. They are so helpful. We stuck on the way and they showed us around and they actually took us here. Otherwise, we were going back. Yes. You're cooking fish? Yeah. You also know Hindi? No, only my husband. And the daughters? And he knows Hindi. My daughter. Okay. My niece. Oh, she's a niece. So how do you cook? Is that your firewood? Yeah, firewood oven. Firewood oven. Okay, can you show us if you don't mind? We have to put firewood underneath. Yeah, you can put, yeah. जब हम वहाँ पहुँचे तो वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना डिनर कुक कर रहे थे, और उन्होंने बाद में हमें अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाया और अपना घर दिखाया जो कि एक ऑर्गेनिक रहन सहन था, और हम दोनों को उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इस छोटी सी मुलाकात के बाद हम अपने साथ ले जा रहे थे कुछ मेमोरीज और जिंदगी भर के दोस्त। तो अब हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ वापस जा रहे हैं स्लीपिंग जॉइंट से, और आई थिंक सो आज का एक्सपीरियंस कुछ अनप्लान्ड सा एक्सपीरियंस, अनएक्सपेक्टेड सा था, जो कि हमने लोकल्स के साथ स्पेंड करा, और उन लोकल्स ने ही हमें आगे जाने के लिए मोटिवेट किया था, क्योंकि हम तो इतनी बम्पी रोड देखकर वापस ही जा रहे थे, क्योंकि होंडा सिविक बहुत ही लो कार है, और वो 2-3 बार रोड से टच हो गई थी, तो हमें लगा कि रेंटल कार है और कोई प्रॉब्लम ना आए तो वापस जाना ही ठीक होगा। तभी दो गर्ल्स आई थी स्कूल से और उनके साथ उनके अंकल भी थे, तो अब टाइम है आज के ब्लॉग को एंड करने का। हे स्वीटी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? शी इज जस्ट वंडरिंग व्हाट आई एम अप टू। अपने आप ही कैमरे में आ गए। हाँ, हेलो, उसको भी आना था। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करूंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मुझे पता है मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी, बट आप बताओगे मुझे अच्छा लगेगा। अपने आप कभी कभी उतना पता भी नहीं चलता है, तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स के साथ बताना क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे इम्प्रूव। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं फिर कल सुबह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।